भैया 2 किलो दाल देना। ठीक है भैया, हो गया, ले जाओ। वाह यार भाई, ये तो बहुत मस्त स्कीम है। ऐसे करके तो अपन बहुत बड़ा शोरूम खोल लेंगे। अरे हाँ हाँ भाई, बस तू सावधानी रखना, किसी को शक नहीं होना चाहिए हमको। भाई 2 किलो शक्कर देना यार। हाँ हाँ बिल्कुल देता हूँ भैया। ठीक है भैया, हो गई आपकी 2 किलो। भाई कम नहीं लग रही है? अरे आपके सामने तो तोली है, अभी बराबर है, बराबर। अच्छा आपने दुकान नई नई खोली है भाई? हाँ अभी डाली है, 7 पर हुआ है। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है तो सोचा लोगों की सेवा ही कर ले। बढ़िया है यार। अरे भैया 5 किलो आटा देना। ठीक है भैया, अभी लाया। ठीक है भैया, हो गया 5 किलो। कितने हुए? 500 रुपए। ये लो भैया आपके 500 रुपए। ठीक है भैया। और नमस्ते भैया जी। नमस्ते, नमस्ते भैया जी, नमस्ते। और कैसी चल रही है आपकी दुकान? बस आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की दुआ से ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। तो आप ये नहीं जानना चाहोगे कि आपकी दुकान में आखिर ये ग्राहक आ कहाँ से रहे इतने? अरे भैया जी, लाइन तो लगेगी ना, मैं सामान इतना सस्ता देता हूँ। जी नहीं, जितने भी ग्राहक आपकी दुकान पर आ रहे थे ना, वो सब हमने भेजे थे। मतलब? मतलब यही कि यार सुरेश। हाँ भाई। वो दुकानदार है ना? हाँ। वो बहुत घोटाला कर रहा है, हर सामान में लोगों को चूना लगा रहा है। जिससे कोई सामान तोलता है, पीछे से एक हाथ आता है और वजन बराबर कर देता है, और लोगों को लगता है कि सामान का वजन बराबर है। अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तू एक काम कर, तू जाके वहाँ से सामान खरीद। अच्छा तू चाहता कि मैं खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लूं? अरे नहीं भाई, मेरे पास एक प्लान है। हम क्या करते हैं, ठीक है मेरे को? ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ अभी। जा निकल जा। ये जो तुम चूना लगाते हो ना लोगों को, ये मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन मुझे ना तुम्हारा भांडा फोड़ना था। फिर मैंने सोचा कि भांडा फोड़ने से तुम्हें अक्कल आएगी नहीं, इसलिए मैंने कुछ और ही किया। क्या किया भैया आपने? एक बार तुम्हारा गल्ला चेक करो। अरे इसमें तो सारे पैसे नकली है। जी हाँ, ये सारे पैसे नकली है। जिस टाइम तुम लोगों को चूना लगा रहे थे ना, तुम्हें पता भी नहीं था, और लोग उल्टा तुमको चूना लगा रहे थे। जितना तुमने अपना फायदा नहीं किया ना, उससे ज्यादा तुम्हारा नुकसान हो चुका है। तुम जैसे दुकानदार है ना, सारी दुकानदारों को बदनाम करते है, इसीलिए हमने तुमको एक सबक सिखाया है जो कि तुम्हारे लिए काफी है। अब कान खोल के सुन ले मेरी बात, 1 हफ्ते के अंदर ये दुकान खाली करके निकल जा तू, ठीक है? वरना तेरी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं।